En mi mente lo pasamos bien la vida, pero realmente siempre me olvida. Quiero que seas muy contenta, quiero escapar la tormenta. Quítate la ropa bien mojadita, fuerte mar y se llama Indica. Yeah. गाइज वेलकम बैक टू चैनल तनीशु व्लॉग्स। वी होप आप सब लोग ठीक हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बार्सिलोना में एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं बार्सिलोना के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था होटल से ही फॉर अ चेंज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन ऑप्शन थी विच आई लाइक्ड और हमें कुछ एसेंशियल्स चाहिए थे इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हमारी करंट रिसर्च के हिसाब से ये जो स्टोर है कारेफोर, ये काफ़ी इसके रेट्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, मतलब अगर आपको कुछ एसेंशियल चाहिए, पानी यानी सब, तो ये इनके प्राइसेस काफ़ी ठीक थे कंपेयर टू अदर स्टोर्स। तो अभी यहाँ से फटाफट निकलते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट्स में। क्या कर गई है? समझ लग गया, इम्पोर्टेंट चीज करके आई हूँ जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं। करते करते पहुंच गए हैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि बार्सिलोना में थी, सागरादा फैमिलिया में। गाड़ी हमने पार्क करी है इधर ये किसी पार्किंग लॉट में। आसपास दो तीन पार्किंग प्लेसेस हैं जो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हो। पार्क करके वॉकिंग आएंगे और सामने आपको दिखेगा कैथीड्रल। अगर आप स्पेन में आए हो तो आपको जो यहाँ का फेमस आर्किटेक्ट था एंटोनी गाउदी, उसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई हैं। और ये जो कैथीड्रल है उन्हीं का ही काम है जो किया हुआ है। किसी ने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट 1882 में, फिर उन्होंने 1883 में ये प्रोजेक्ट गाउदी को साइन कर दिया। अभी जो उन्होंने अपना प्लान बनाया था उसके हिसाब से लोग अभी भी इस पे काम कर रहे हैं और ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी आए हैं हम पोर्ट ऑफ बार्सिलोना में। यहाँ पर आप बोट राइड कर सकते हो, उधर टिकट काउंटर है, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। देन आप 45 मिनट्स टू 1 आवर की जर्नी होती है बोट में। आप बोट में जाओगे, पानी में घूमोगे और इधर उधर की चीज़ें देखोगे। उसके अलावा यहाँ पर है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स हैं, खाना पीना खा सकते हो। फिर आप यहाँ पर काफ़ी लंबा एरिया बना हुआ है तो वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, बैठ सकते हो, सन को इंजॉय कर सकते हो, व्यू को इंजॉय कर सकते हो। तो अभी भी हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे, थोड़ी चीज़ें देखेंगे, बोट्स आती जाती हैं उनको इंजॉय करेंगे।
अभी हम आए हैं बार्सिलोना सिटी के ओल्ड पार्ट्स में. लाइक ये जो एरिया है इसको बोलते हैं गॉथिक क्वार्टर्स, और इसमें है बार्सिलोना की कैथीड्रल, देन ला रामब्ला मार्केट जहाँ पे हम जाएंगे और देखेंगे हमें खाने के लिए वहाँ पर क्या क्या मिलता है. और फिर यहाँ का जो आर्किटेक्चर है हम वो भी देख सकते हैं. बहुत देर पहले क्या होता था कि ये रोमन विलेज हुआ करता था. करंटली आर्किटेक्चर है तो उसमें आपको कहीं कहीं पे रोमन टच देखने को मिल सकता है. तो हम देखते हैं अभी कि कैसे इनके आर्किटेक्चर दिखते हैं. एंड मोर ओवर अभी हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, बट स्टिल इन्होंने ओल्ड आर्किटेक्चर भी मेंटेन करके रखा हुआ है. गलियों में घूमेंगे और देखते हैं कैसी दिखती हैं गलियाँ. गॉथिक क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा कुछ है देखने के लिए. पता नहीं वीडियोस में हमने कितना ज़्यादा जस्टिस किया है, क्योंकि नेक डाइक से तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है. अभी हम ला बॉक्रिया मार्केट से वापस आए हैं. खाना हमने ले लिया है, पैक करवा लिया, तो अभी हम होटल में जाके खाएंगे. जूसेस मैंने ट्राई किए, लाइक ड्रिंक्स थी वहाँ पर, मैंने कोकोनट और पाइनएप्पल फ्लेवर ट्राई किया तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा. आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से कोई भी ड्रिंक चूज़ कर सकते हो. और ला बॉक्रिया मार्केट इस बात के लिए फेमस है, लाइक वहाँ पर आपको फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स और ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं. और उसके अलावा ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो खाने की, वो भी मिलती हैं जो इधर की, लाइक इस जगह की स्पेशलिटी है फूड, तो वो सब भी मिलता है, वो सब भी ट्राई कर सकते हो. तो हमने वो सब तो पैक करवा लिया है. एंड इस ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट बार्सिलोना. तो मिलते हैं आपको फिर अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए आप ध्यान रखो अपना. De mi arte.